नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीकार किया पुतिन का प्रस्ताव। शांति वार्ता के लिए हुए तैयार, फिर भी जल्द युद्ध खत्म होने की संभावना नहीं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर वेबिनार के दौरान पीएम मोदी ने कहा, सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना से काम कर रही है। रूस के हमलों से दहल रहा है यूक्रेन, जहां भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई भारत की पहली फ्लाइट। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय छात्रों से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, दूतावास से लगातार रहें संपर्क में। भारत और जापान कर्नाटक के बेलगाम में 27 फरवरी से 10 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा, जहां रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में 28.29 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की जुबानी जंग के बीच आरजेडी यूपी के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सीएम की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें दूसरे देश का बताया गया। देश भर में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 26 अप्रैल से ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जबकि सीआईएससीई द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के सेमेस्टर 2 की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। यूपी के कुशीनगर में जेपी नड्डा ने कहा, चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने वाले अखिलेश यादव नहीं कर सकते गरीबों का भला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के क्रम में बेगूसराय पहुंचे। यहां उन्होंने जीविका दीदियों के साथ शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज उन्मूलन जैसी विषयों पर संवाद किया। पंजाब के मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में 4 से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आज चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। झारखंड के हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से समोसा और जलेबी बनवाया गया। इसको लेकर अब कॉलेज के शिक्षण व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेसी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क होने का दावा करने पर रमन सिंह ने कहा कि गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ के हर गांव में फूड पार्क है, वो ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हर खेत में फूड पार्क बना दिया गया है या बना देंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के पिपलियाहाना ओवरब्रिज के नीचे संचालित होगी खेल गतिविधियां, जहां शहर के विभिन्न खेल संगठनों के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण ने बैठक की। हिमाचल प्रदेश सरकार को हेलीकॉप्टर सेवा सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण स्काई वन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर हेरोइन के 15 पैकेट बरामद हुए, जिसे पाकिस्तानी ड्रोन से फेंके जाने की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल के विधान नगर नगर निगम के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है, जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। ओडिशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है, जहां बीजू जनता दल को 270 सीटों पर, बीजेपी को मात्र 24 सीटों पर और 16 सीटों पर कांग्रेस तथा 5 सीटों पर अन्य उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में ईडी की हिरासत में चल रहे नवाब मलिक के परिवार पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, जहां सूत्रों के अनुसार नवाब के बेटे फराज मलिक को भी पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है ईडी। गुजरात के अरवली में एक सनकी पति ने डायनामाइट लगाकर ससुराल में अपनी पत्नी को गले लगा लिया, जहां दोनों की ब्लास्ट के बाद जान चली गई। राजस्थान के कई जिलों में आज तेज हवा चल रही है, जहां कुछ जिलों में बर्फबारी के साथ बारिश भी हुई। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने रेडियोग्राफर के पद पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट becil.com पर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को द बैग टूर में मिली जबरदस्त फैन,
भरी महफिल में एक्टर से मिलने के लिए रोते और चिल्लाते हुए आई नजर। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।